नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया, मैं हूं कीर्ति सिंह। रांची की राजधानी स्थित अड़गोड़ा, जिसे आप सभी वाकिफ होंगे, अड़गोड़ा एक ऐसा स्थान है जिसे रांची के पॉश इलाकों में से एक माना जाता है, जहां पर बड़े बड़े लोग, वीआईपी लोग रहते हैं। लेकिन आज मैं रांची के अड़गोड़ा में ही अड़गोड़ा स्थित महावीर चौक पर हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक नाला बह रहा है। लेकिन अफसोस कि ये नाला नहीं, अफसोस कि ये जो नाला की तरह दिख रहा है, जिसे मैं नाला कह रही हूँ, ये नाला नहीं, एक नदी है। इस नदी का नाम है हड़बड़ी नदी। इस नदी के नाम से ही इस रोड के इस पुल का नाम रखा गया, हड़बड़ी पुल। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो नदी थी, पहले स्वच्छ पानी, यहाँ स्वच्छ जल बहते थे, अब ये बिल्कुल नाला बन चुका है। और हर लोगों के घर के जो भी गंदे पानी है या फिर कचरे, कूड़े कचरे, सभी यहाँ पे लाकर फेंके जाते हैं। और लोगों के घर के गंदे पानी आप देख सकते हैं कि इसके अगल बगल, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि आप दिखाइए कि इसके अगल बगल बड़े बड़े बिल्डिंग मकान हैं, चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, और इन बिल्डिंग के जितने भी गंदे पानी हो वो सभी यहाँ पर आ सकते हैं। आप ठीक मेरे बगल में देखिए नीचे से इधर किस तरह से गंदा पानी आ रहा है, कूड़ा कचरा यहाँ पर देखा जा रहा है, और कहीं भी स्वच्छता के नाम पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर नज़र आ रही है तो सिर्फ एक नाला, जो कि चौड़ा सा नाला है, और यहाँ पर गंदे पानी बह रहे हैं, रोड पे है ये नाला। आप सोच सकते हैं कि इससे कितना प्रदूषण हो रहा होता होगा, किस तरह से यहाँ के आस के पास के लोग खुद ही अपने वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और उसके बाद खुद ही वो बीमार होंगे। चलिए इधर भी आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर जो ये पुल है, ये पुल की स्थिति भी ठीक नहीं है। पुल भी जो है जर्जर स्थिति में देखा जा रहा है, कभी भी यहाँ पर किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा अड़गोड़ा का कचरा इसी जगह पर लाकर फेंका जाता है और लोग यहीं पर रह रहे होते हैं। एक तरफ जो हमारी सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है, रांची को स्मार्ट सिटी के नाम से जानने की बात करती है, स्वच्छता की बात करती है, रमणीक रांची का बोर्ड लगाया गया है अलग अलग स्थानों पर, लेकिन वहीं अगर रांची के पॉश इलाके और बड़े बड़े इलाकों में जाकर देखें तो लगभग तमाम जगहों, तमाम स्थानों की स्थिति इसी तरह होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की योजना नहीं बनाई गई है कि लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना ले रहे हैं, लेकिन आखिर वहाँ के गंदे पानी को किस तरह से बहाया जाए। रमणीक रांची का बोर्ड लगाया गया है अलग अलग स्थानों पर, लेकिन वहीं अगर रांची के पॉश इलाके और बड़े बड़े इलाकों में जाकर देखें तो लगभग तमाम जगहों, तमाम स्थानों की स्थिति इसी तरह होगी, क्योंकि यहां पर किसी तरह की योजना नहीं बनाई गई है कि लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना ले रहे हैं, लेकिन आखिर वहाँ के गंदे पानी को किस तरह से बहाया जाए, किस तरह से कम प्रदूषण फैलाया जाए, इसकी अभी तक कोई हालत नहीं। आप देख सकते हैं कि ये पुल भी जो है टूट चुका है। कभी भी यहाँ दुर्घटना, मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ दुर्घटना हो सकती है, इसके बावजूद सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से यहाँ पर कोई भी इसकी जानकारी तक नहीं लेता कि किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि हमेशा ही आपने देखा है कि राज्य में हमेशा कहा जाता है कि स्वच्छ रांची को बढ़ावा दिया जा रहा है, रांची में नगर निगम और विकास को लेकर काम किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मकानों को तोड़े जाते हैं, और लेकिन जिस स्थान को बनाना चाहिए वहां पर सरकार की नज़र ही नहीं जाती है। ये न केवल सरकार की बात है बल्कि यहाँ के तमाम नगर निगम की बात, यहाँ इस इलाके के जो वार्ड पार्षद हैं उनकी बात करो, या यहाँ के विधायक, किसी की नज़र इस स्थान पर नहीं गई है, क्योंकि ये उनके लिए एक छोटा सा स्थान है। आप देख सकते हैं कि जो सड़क टूट चुकी है, जो नदी नाले में तब्दील हो चुकी है, अब इससे भी भयानक स्थिति की वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जब इसकी भयानक स्थिति होगी तब जाकर यहाँ पर सरकार एक्शन लेगी, नगर निगम इसे जाकर बनाएगा। अब आगे देखना होगा कि अभी तक सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, अब आगे देखना होगा कि सरकार इसी तरह इस रोड को, इस नदी को नज़रअंदाज करती है बाकी तमाम जगहों की तरह, या फिर इसे लेकर कुछ अलग से योजनाएं बनाई जाती है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया, मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ रांची।